गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिकल एजुकेशन थ्योरी की क्लास। वेलकम टू यू ऑल डियर स्टूडेंट। टुडे आई विल टेल यू समथिंग अबाउट एथलेटिक्स, समथिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ द एथलेटिक्स। ओके, एवरीवन लिसन द नेम ऑफ द एथलेटिक्स। एथलेटिक्स इज द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एथलेटिक्स। एथलेटिक्स कॉमनली रिफर टू ट्रैक एंड फील्ड इवेंट आर स्पोर्ट्स कंप्राइजिंग ग्रुप ऑफ एथलेटिक्स इवेंट और डिसिप्लिन ईच ऑफ विच इन्वॉल्व आइदर रनिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। ओके, एथलेटिक्स जो कॉमनली जो रिफ़र करता है वो ट्रैक एंड फील्ड को रिफ़र करता है, जो कि ग्रुप है एथलेटिक्स से इवेंट का जो ग्रुप है वो कई गेम्स को मिलाकर है, जिसमें कि आपका रनिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग और जंपिंग ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट दोनों होते हैं। द नेम एथलेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथलॉस मीनिंग कंटेस्ट। जो एथलेटिक्स वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है एथलॉस, उससे लिया गया, जिसका मीनिंग होता है कंटेस्ट। ओके, इन प्री हिस्टोरिक टाइम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग वेयर नॉट एथलेटिक्स इवेंट बट स्किल ऑफ सर्वाइवल। हमारे जो पहले का जो हिस्टोरिक टाइम है, जो इतिहास, उसमें जो ये इवेंट है, इसमें रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग ये सारे एथलेटिक्स इवेंट नहीं होते थे। ये हमको सर्वाइव करने के लिए स्किल होती थी। दीज एक्टिविटीज़ वेयर नेसेसरी फॉर हंटिंग, फाइंडिंग फूड और स्केपिंग फ्रॉम द एनिमी। मीन्स कि ये जो एथलेटिक्स की जो जितने भी इवेंट होते थे वो हमारे लिए जरूरी होते थे हंटिंग के लिए, और फाइंडिंग फूड मतलब फूड खाने को खोजने के लिए, हंटिंग से मारने के लिए, या स्केपिंग फ्रॉम द एनिमी अपने से दुश्मनों से अपने को बचाने के लिए। इन सारी चीज़ को ये जो एक्टिविटीज़ होती थी वो एथलेटिक्स में मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में मच लेटर दे केम टू बी नोन एज एथलेटिक्स, लेकिन बाद में ये एथलेटिक्स के नाम से जानी जाने लगी। ओके, इन द हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट डेट एज फार बैक एज 3000 BC। अगर हम बहुत पीछे की तारीख जाते, लगभग 3000 BC में, मच बिफोर दे वेयर प्लेड इन ग्रीस, या उससे पहले तो ये जो गेम है सिर्फ ग्रीस में होते थे और कहीं भी नहीं, ग्रीस में खेले जाते। दे हैव बिन ट्रैक बैक इन द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ ओल्ड इजिप्ट, मिसोपोटामिया एंड प्री क्लासिक ग्रीस सेवरल हंड्रेड ईयर्स बिफोर द गेम्स इन एंशिएंट ग्रीस। अगर हम बहुत पहले की जो हमारी सिविलाइजेशन है, बहुत पहले की जो सभ्यता है, अगर हम उनसे देखते हैं, ओल्ड इजिप्ट में, मिसोपोटामिया और प्री क्लासिक ग्रीस वगैरह देखते हैं कई सौ साल पहले, तो ये सिर्फ गेम जो है वो एंशिएंट ग्रीस में ही होते थे और कहीं नहीं होते थे। डेटिंग बैक टू द एंशिएंट ग्रीस, लेकिन हम वापस जब एंशिएंट प्राचीन जो हमारी वापस डेटिंग में हम आते हैं, डेट में आते हैं, तो एथलेटिक्स वेयर द ओनली कॉम्पिटिशन, जो एथलेटिक्स है वो एक अकेला ऐसा कॉम्पिटिशन था टू बी हेल्ड इन द फर्स्ट ओलंपिक गेम, जो कि उस ओलंपिक गेम में, जो हमारा फर्स्ट ओलंपिक गेम हुआ था, उसमें फर्स्ट ओलंपिक गेम हमारा हुआ था 776 BC के, जो हुआ था एथेंस में, उसमें भी एथलेटिक्स था। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टू प्लेस इन एथेंस इन 776 BC, 776 BC में ईसा पूर्व जो हमारा पहला ओलंपिक गेम हुआ था उसमें भी एथलेटिक्स था। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स टू प्लेस इन 1896 एंड एथलेटिक्स वेयर द की ऑफ एलिमेंट ऑफ द गेम, जो उस, लेकिन जो हमारा फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ था वो 1896 में हुआ था, उसमें जो एथलेटिक्स था वो था की एलिमेंट ऑफ द गेम, मतलब उस पूरे गेम की जान था, की थी। विद द कॉम्पिटिशन बींग
डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड फील्ड। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि एथलेटिक्स जो कॉम्पिटिशन है वो डिवाइड होता है टू गेम्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। ओके, दिस इज़ फॉर द टुडे अबाउट द एथलेटिक्स। हैव अ नाइस डे।